नमस्कार। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने हर जगह कोहराम मचा रखा है। पिछले साल से ज़्यादा इस साल मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 1.25 लाख नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 1,26,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि इस दौरान 685 लोगों की इससे मौत भी हो गई। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो बढ़ते हुए कोरोना के बीच लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां 500 से अधिक संक्रमित हैं और रोज़ 100 नए मरीज मिल रहे हैं, वहां डीएम रात का कर्फ्यू लगा सकते हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी सेवाओं को इससे राहत ज़रूर मिलेगी। भारत सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए जोरों शोरों से टीकेकरण में लगी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कोरोना टीकाकरण में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण वाला देश बन चुका है। बताया जा रहा है कि भारत में रोजाना करीबन 30 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना के चलते हमारी आप सबसे अपील है कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। मसूद आलम, theleaderhindi.com। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।